नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं डबाना विलेज में। इसके लोकेशन स्टेट्स में आपको एक बार कंफर्म करा देता हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुरादनगर ब्लॉक और मोदीनगर तहसील के अंदर ये गाँव आता है। इसके अलावा जो इसकी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, जो विलेज सोंदा है मोदीनगर से कनेक्टेड है, वहां से सीधे स्ट्रेट यहां पे रोड आती है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी मुरादनगर से भी है, जो अपर गंगा कैनाल है वहां से सीधे रोड मुरादनगर भी जाती है। इसकी कनेक्टिविटी दूसरी तरफ निवाड़ी से भी है। इसके अलावा यहां के डिटेल्स मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, यहां के जो करंट मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सतपाल सिंह जी हैं। इसके अलावा जो मौजूदा करंट यहां की एमएलए हैं वो डॉक्टर मंजू शिवाज जी हैं। इसके अलावा जो यहां के मौजूदा प्रधान हैं वो श्रीमती नेहा चौधरी जी हैं, वाइफ ऑफ तरुण चौधरी। इसके अलावा जो गांव की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है या फिर यहां के जो रेलवे स्टेशन से यहां की कनेक्टिविटी है वो मैं आपको बता देता हूं। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी यहां से मोदीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं मुरादनगर रेलवे स्टेशन की बात करता हूं, जो कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, वो करीब 8 से 9 किलोमीटर यहां से पड़ता है डबाना विलेज से। तो ये यहां की कनेक्टिविटी रही। इसके अलावा जो गांव की पॉपुलेशन स्टेट है, जनसांख्यिकी है या फिर गांव की जो सुख सुविधाएं हैं, बाकी एमिनिटीज हैं, गांव का इतिहास है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। गांव का इतिहास काफी पुराना है, गांव करीब 700 से 800 साल अनुमानित ये गांव पुराना बताया जाता है। इसके अलावा जो गांव के अंदर यहां पे कास्ट है, जो पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ कास्ट है, जो यहां की कम्युनिटी है वो जाट कम्युनिटी अत्यधिक यहां पर है, जो हिंदू जाट कम्युनिटी होती है। तो इसके अलावा बाकी जो पॉपुलेशन स्टेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे 2500 के करीब यहां पर आबादी है, कुल आबादी जो अनुमानित है यहां के जो स्थानीय निवासियों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और साथ ही साथ जो गूगल से अनुमानित इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो यहां की पोलिंग परसेंटेज है, जो पोलिंग है यहां पर करीब 1800 का पोलिंग है। बाकी फर्दर सुख सुविधाओं के लिए हम आपको गांव के अंदर लेकर चलते हैं, गांव का इंटरनल व्यू दिखाते हैं। इसके अलावा वहां के लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं गांव के इंटरनल स्ट्रक्चर और व्यू से। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देख रहे होंगे इसके डबाने के एंट्री पॉइंट पर केडीएम रिजॉर्ट यहां पर आपको दिख रहा है। अभी हम सीधे डबाने के एंट्री गेट से आपको लेकर चलते हैं डबाने गांव के अंदर। सामने श्री बालाजी पैलेस आप देख रहे हैं, अगेन बैटिंग पॉइंट विलेज डबाना के लिए। काली सड़क के साथ यहां पर कनेक्टिविटी है। यहां पे आप देख रहे हैं डबाना विलेज के एंट्री पॉइंट पर बैटरी की अच्छी सुविधाएं ग्राम प्रधान द्वारा। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं ये मंदिर। ये ऊंटों के जो हमारे मजदूर तबके के लोग होते हैं उनके रोजगार के लिए एक बेहतरीन। अभी देखिए हम डबाना विलेज के अंदर एंटर किए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फैसिलिटी स्कूल की, काफी अच्छा स्कूल है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आप रोड्स की फैसिलिटी आप देख रहे हैं, बिजली, पानी, इंटरलॉकिंग सड़कें। एंट्री बहुत ही अच्छी, पॉइंट बहुत अच्छा है डबाना विलेज। इंटरनल लुक आप देख रहे हैं, एनडीएम पब्लिक स्कूल यहाँ पर बच्चों के लिए। ये आप देख रहे हैं जो हमारे बॉल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बॉल्स, वो केबल लेस हैं। डबाना का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाता है कि गांव कितना डेवलप्ड है। एनसीआर के अच्छे गांवों में गिना जाता है। यहां पर एक अगेन मंदिर, एक धार्मिक स्थल। ये डबाना गांव की सड़कें, बेहतरीन दुकान। विलेज डबाना पानी के लिए बेहतरीन इंतजाम, हैंडपंप्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चाट कम्युनिटी का गांव है।
दोस्तों इसी के साथ हम आ चुके हैं डबाना विलेज के एग्जिट पॉइंट पर, यहाँ पर जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। ये रोड सीधे आपकी फिरोजपुर, बंदीपुर और कैथवाड़ी जाती है। इसके अलावा यहाँ से हम जो डबाना विलेज की हमारी यात्रा है, जो हमने आपको डबाना विलेज का व्यू दिखाया, उसको समापन करते हैं। धन्यवाद।